दोस्तों, आज के समय में ओला उबर सहूलियत का दूसरा नाम हो गई है। अब अगर आपको शहर बदलना होता है तो ये नहीं सोचना पड़ता कि उस शहर में बिना बाइक या कार के आप इधर उधर कहां जाएंगे, क्योंकि ऑटो रिक्शा से भी कम दाम में आपके आगे कार खड़ी हो जाती है जो आपको कहीं भी ले जाने को तैयार है। ओला और उबर के कम प्राइसेस को देखते हुए कभी कभी मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर ये लोग पैसा कमाते कैसे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ओला और उबर ड्राइवर्स हड़ताल पर भी चले गए थे। इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये हड़ताल पर गए, इन सब का जवाब भी हम आपको आज देने की कोशिश करेंगे। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम ओला की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि ओला एक इंडियन कंपनी है। साथ ही ओला का मार्केट शेयर इस वक्त भारत में 60% है, लेकिन दोनों का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम ही है। ओला से पहले भारत में अगर आपको एक टैक्सी कंपनी शुरू करनी होती थी तो आपको कई सारी टैक्सीज खरीदनी पड़ती थी, फिर उसके लिए ड्राइवर्स को भी हायर करना पड़ता था और उसके बाद भी मेंटेनेंस से लेकर फ्यूल का खर्चा सभी आपको करना पड़ता था, यानी रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों ही काफी ज्यादा थे। अब गेम में आती है ओला, जो कहती है कि आप अपनी गाड़ी लाओ, खुद गाड़ी चलाओ, खुद फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्चा दो, पर बदले में ओला आपको एक प्लेटफॉर्म देगी जहां राइडर्स आपको कैब को बुक करवा पाएंगे और आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। ओला ने शुरुआत में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ड्राइवर्स को 70% तक इंसेंटिव भी देना शुरू किया। इंसेंटिव उन लोगों के लिए था जो 8 से 12 घंटे तक ड्राइव करेंगे, और देखते ही देखते ओला के पास बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ड्राइवर्स और बहुत सारी टैक्सीज आ गई। इसके अलावा ओला ने भारत में फ्री राइड से लेकर 6 रुपए प्रति किलोमीटर की सस्ती दरों के कारण बहुत सारे कस्टमर्स भी बना लिए, जिससे देखते ही देखते ओला के पास 10 लाख गाड़ियां और 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हो गए। इस पूरे वक्त ओला अपने इन्वेस्टर्स से लिए गए पैसों को इंसेंटिव्स देने में खर्च कर रही थी। साल 2015-16 में ओला को करीब 2300 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने पड़ रहे थे, यानी उन्हें 2300 करोड़ का लॉस हो रहा था। ओला जो पैसे कमाती थी वो ड्राइवर्स को मिल रहे पैसे में से अपना कमीशन काट कर कमाती थी। ये कमीशन पूरी पेमेंट का 15-20% होता था, यानी अगर आप एक ड्राइवर को 100 रुपए दे रहे हैं तो ओला को उसमें से 20 रुपए मिल रहे हैं। ओला के ड्राइवर्स हर महीने करीब 1 लाख रुपए तक उस वक्त कमाने लगे थे, जिस वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर ओला उबर को ही ज्वाइन कर लिया, और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ईएमआई पर गाड़ियां खरीदी, ड्राइवर्स हायर किए और उन्हें ओला पर चलाने लग गए। इससे वो ड्राइवर को तनख्वाह देते थे, ईएमआई भरते थे और घर बैठे बैठे बाकी की कमाई को एंजॉय करते थे। ये सिस्टम काफी बढ़िया था जिसे ओला ने भारत में काफी ग्रो किया। अब जब ओला के कस्टमर्स को ऑटो और रिक्शा छोड़ ओला की आदत हो गई और ड्राइवर्स ने भी नौकरियां छोड़ ओला के लिए काम करना शुरू कर दिया, तब ओला ने अपनी असली कमाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने धीरे धीरे अपने इंसेंटिव्स को 17 से 60, 60 से 50 और आज 10 से 20% तक कर दिया, यानी जो ड्राइवर पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था वो अब 30 से 35 हजार ही कमाने लगा। इसके अलावा उन्होंने राइडर्स के लिए रेट्स बढ़ा दिए, लेकिन क्योंकि वो लोगों को अपनी स्कीम से प्रभावित कर चुके थे इसलिए लोगों ने इस सर्विस को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा और ड्राइवर्स भी उनके लिए ड्राइव करते रहे। ड्राइवर्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कमीशन कम हो जाने के कारण अब उनकी कमाई कम होती है और पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस लगातार बढ़ने से उनका खर्चा भी बढ़ गया है, जिससे वो लोग काफी तकलीफ में। जो लोग अब 7-8 साल से कैब ड्राइवर रहे हैं वो अपनी पुरानी नौकरियों पर वापस भी नहीं जाना चाहते, जिस वजह से वो फंस चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ओला जानती थी कि सिर्फ 20% कमीशन से उनका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब करने के बाद उनकी जेब से पैसा जा ही रहा था। इसलिए ओला ने कई और रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने शुरू कर दिए और आज ओला के पास 9 से 10 रेवेन्यू सोर्स या पैसे कमाने के तरीके हैं। आइए इन पर भी नजर डालते हैं। इनमें से पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, वही 15 से 20% का कमीशनल। इसके अलावा ओला ने ओला मनी भी शुरू किया। ये एक डिजिटल वॉलेट था जिसमें लोग पैसा रख सकते थे, बिल्कुल पेटीएम की तरह। और ओला मनी से न सिर्फ आप ओला पर बल्कि और भी प्लेटफॉर्म्स पर पे कर सकते थे, जिससे ओला के पास हमेशा कुछ पैसा रहने लगा। लेकिन ओला यहीं पर नहीं रुका, उसने ओला क्रेडिट कार्ड्स और ओला पोस्ट पेड भी शुरू कर दिए, जिसमें कस्टमर्स ओला को बाद में पैसा पे कर सकते थे। ये बिल्कुल लोन लेने जैसा था और जो भी कस्टमर्स पैसा देने में लेट हो जाते थे उन पर लेट फीस का फाइन लगाया जाता था। इस फाइन से भी ओला की अच्छी कमाई होती थी।
इसके साथ साथ ओला ने लॉन्च किया ओला सिलेक्ट, जो एक तरह का मेंबरशिप प्रोग्राम था, जैसे कि जोमैटो प्रो और पेटीएम फर्स्ट है, जो कि लोग एक छोटा सा अमाउंट देकर ओला सिलेक्ट से जुड़ जाते थे। उन्हें ओला ने प्रायोरिटी कस्टमर बना लिया, यानी उन्हें राइड मिलने में आसानी होती थी, उन्हें फ्री वाईफाई और भारी डिस्काउंट भी मिलता था। ओला सिलेक्ट के साथ ही ओला ने ओला प्ले भी लॉन्च किया। ओला प्ले सर्विस में आप इस तरह की कार बुक कर सकते हैं जिनकी बैक सीट पर एक टैबलेट होता था, और इस टैबलेट पर आप गाने सुनने से लेकर मूवीज तक देख सकते थे, जो लंबे ट्रिप्स के लिए काफी शानदार था। ओला ने ओला कॉर्पोरेट भी लॉन्च किया। ये उन कंपनीज के लिए था जो अपने एम्प्लॉयज को कैब सर्विस देना चाहते थे। गूगल जैसी कई MNC कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का कैब का खर्च भी उठाती है, और उन्होंने डायरेक्टली ओला से पार्टनरशिप कर ली। फिर ओला के पास पैसा कमाने के लिए इन कैब एड्स भी थी, जिसमें ओला की गाड़ियों के अंदर कंपनीज अपनी एड्स लगा देती थी और इससे भी ओला पैसे बनाती थी। ओला के पास कमाई के और भी साधन है। जो लोग ओला के लिए ड्राइव करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कार नहीं है, ओला उन्हें कार लीज पर भी देती है और हर रोज उनसे किराया वसूलती है। इसके अलावा इन ड्राइवर्स की कमाई से भी ओला ज्यादा कमीशन लेती है, जो उनकी कमाई को और ज्यादा बढ़ा देता है। ओला आज एक सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप है, जो भारत के 110 शहरों ने तो किया ही है, लेकिन उसने धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, और आज ओला की सर्विस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK जैसे देशों में अवेलेबल है। ओला के कॉम्पिटिटर उबर ने उबर ईट्स की तर्ज पर फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री की थी, और ओला भी उसमें पीछे ही हटा। ओला ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फूड पांडा को 2017 में एक्वायर कर लिया। मजेदार बात तो यह है कि फूड पांडा को खरीदने के लिए ओला ने एक रुपया भी खर्च नहीं किया। ओला ने फूड पांडा के ऑनर्स को ओला के कुछ शेयर्स के बदले फूड पांडा देने के लिए कहा, और वो मान भी गए। ओला के पास आज 110 शहरों का नेटवर्क है, साथ ही अपना पेमेंट सिस्टम भी है, इसलिए ओला के लिए इस फूड प्लेटफॉर्म को खरीदना काफी स्मार्ट फैसला था, क्योंकि उन्होंने इसे अब अपने ऐप के साथ ही इंटीग्रेट कर लिया, और ओला इस बिजनेस में भी पैर जमा रहा है। अगर लोगों को एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग पेटीएम, जोमैटो और उबर जैसे तीन ऐप्स रखने की बजाय सिर्फ ओला को ही फोन में रखेंगे और इन तीनों द्वारा ऑफर की जा रही सर्विसेज का मजा उठाएंगे। अब ये देखने वाला होगा कि ओला अपने ड्राइवर्स की समस्या का क्या करता है। अगर ओला ने इसे सॉल्व कर लिया तो निश्चित ही वो इंडिया में एक डोमिनेटिंग फोर्स बन जाएगा। आपको ओला के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।